अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, क्या हाल है? ठीक हैं सब? अच्छा, ये आप लोगों के लिए ले आए हूँ आज मैं फ़िश। देखिए कितनी सारी फ़िश हैं जो है ना, प्यारी प्यारी सी, माशाल्लाह कह दो सारे, सुभान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी जो है ना फ़िश हैं ये। ये रोड पे एक बंदा जो है ना वो सेल कर रहा था बाइक के ऊपर ना, तो वो सेल कर रहा था, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी, बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा इनको जो है ना मैंने घर ले के जाना, तो मैं रुक गया। और रुकने के बाद जो है ना मैंने उसे ये एक बाउल ले लिया, बाउल के अंदर फिर छोटी पेयर जो है, छोटियों के पेयर, फिर बड़ियों के पेयर जो है ना मैंने इसके अंदर डलवा दिए। तो ये बहुत छोटी छोटी भी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, कोई वाइट हैं, कोई ब्लैक हैं, बहुत सारे कलर हैं माशाल्लाह से ना। तो ये देखें, ये जो बाउल जो है ना उसने मुझे दे दिया, वो इतना खूबसूरत था, मैंने उसको बस कहा कि बस मुझे दे दे, और मैं ले आया घर पर। जब मैं इनको घर पे ले आया हूँ ना, तो भाई जो है मेरा बड़ा, उसको पता चला कि फ़िश ले आया हूँ मैं, तो वो कह रहा है ये मर जाएंगी अगर तुमने इसके साथ वो ना लगवाई, ना मशीन नहीं लगवाई ऑक्सीजन मशीन, तो ये मर जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं मरती, उस बंदे ने मुझे कहा था कि नहीं मरेगी। तो बाद में कुछ दिनों के बाद आपके सामने ये छोटी फिशें जो है ना वो बच गई हैं, बड़ी वाली जो है ना मर गई हैं, मतलब बेहतर जाने वो कैसे मर गई हैं, पर मर गई हैं वो। फिर ले आया डक, ये देखें ये आ गई डक। अब इसके अंदर ये डक जो है ना अंदर चली गई हैं, और डकों ने फिर उसका क्या हाल किया बाउल का, कैसा खूबसूरत बाउल था, और डक जो है ना हमला कर दिया डकों ने, शैतानों की तरह जो है ना फिशिंग को मेरी जो है ना वो खा गई हैं, और खाने के बाद जो है ना अंदर मस्तियाँ कर रही हैं, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब जो है ना डक वो डिब्बे में से निकल के जो है ना बाउल के अंदर चली गई, और उन्होंने सारी फिशें खा ली। अगर ये आप जानना चाहते हैं कि डक के साथ क्या हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।